जस्सा सिंह आलूवालिया 18वीं सदी के एक महान जरनैल सन। पंजाब विच खालसा राज दीआं जड़ां पक्के रूप विच बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया ने ही लाईआं। जस्सा सिंह दा जन्म गुरु गोबिंद सिंह जी दे बचना नाल सरदार बदर सिंह दे घर 3 मई 1718 ईस्वी नूं लाहौर नेड़े पिंड आलू विच होया। माता सुंदरी जी दे लाड प्यार विच पले अते कौम दे मोढ़ी नवाब कपूर सिंह जी दी रहनुमाई हेठ परवान चढ़े सरदार जस्सा सिंह आलूवालिया जिथे गुरबाणी अते कीर्तन विच माहर सन, उत्थे ही तलवार अते तीर दे वी धनी सन। दल खालसे दे मुखी होण दे नाते इन्हां दी लीडरशिप हेठां ही दिल्ली ते लाहौर ते सिंघां दा राज कायम होया। पंथक सेवा बदले ही कौम ने जस्सा सिंह नूं नवाब बंदी छोड़ अते सुल्तान उल कौम दे रुतबिआं नाल सन्मानिया। अहमद शाह अब्दाली ने जदों भारत उत्ते पहला हमला कीता तां सरदार शुक्र चक्किआ ते जस्सा सिंह आलूवालिया ने अब्दाली अते फौज दा पिछा करके उसनूं भाजड़ पा दित्ती अते बहुत सारा खजाना लुट लिया। फिर 1748 तो 1753 तक सिखां उत्ते मीर मन्नू वलों बहुत अत्याचार किए गए, पर जस्सा सिंह दी अगवाई विच सिंह हिम्मत नहीं हारे अते गुरबानी उत्ते अटूट विश्वास रख्या। खालसे ने 1754 नूं बाबा जस्सा सिंह नूं नवाब दा खिताब बख्शिया। जस्सा सिंह दी कमांड हेठ सारे सरदार मिलके दल खालसा दे रूप विच बारी हमलावर दा मुकाबला करते सन। 5 फरवरी 1762 नूं 30,000 सिंघां नूं अहमद शाह अब्दाली ने घेर लिया। इस एक ही दिन विच 15-20 सिंघ सिंघणियां शहीद हो गए, जिस नूं वड्डा कल्लूकारे दा नाम दिता गया। इस युद्ध विच सरदार चड़त सिंह, सरदार शाम सिंह ते जस्सा सिंह ने वीरता दे जौहर दिखाए। जस्सा सिंह नूं इस युद्ध विच 22 जख्म लगे, पर अंत अहमद शाह अब्दाली पेश ना चलदी वेख वापस मुड़ गया। बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया मिसल दे मुखी सन। जस्सा सिंह आलूवालिया दूर अंदेशी सोच रखते सन, इस लई उन्हां बाबा आला सिंह अते जस्सा सिंह रामगढ़िया दी सिंघां नाल सुलाह करवाई तां जो बारी ताकतां सिखां विच फुट ना पा सकन। अहमद शाह अब्दाली वल्लों श्री हरिमंदर साहिब नूं ढा दित्ते जाण तों बाद पुनर उसारी लई जस्सा सिंह ने 9 लाख रुपए सेवा उत्ते लगाए। 1783 विच जस्सा सिंह दिल्ली उत्ते कब्जा करन विच सफल हो गए अते इसे ही साल ही दिवाली दे मौके उत्ते दरबार साहिब दर्शन इशनान लई आए तां अमृतसर विखे उन्हां दे पेट विच बहुत दर्द होया, जिस करके आप अकाल चलाना कर गए। न्यूज़ डेस्क तो मनजीत विश्वास की रिपोर्ट, दर्शन टीवी।